जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर आसान शब्दों में भाषण। तो आइए शुरू करते हैं। भाषण की शुरुआत हम प्यारा सा स्लोगन से करेंगे, न झुकने देना कभी इसके मान को, न मिटने देना कभी इसकी शान को, चाहे कुर्बान करनी पड़े जान को, अपने सीने से इसको लगाए रखना, ये तिरंगा यूं ही उठाए रखना। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के प्रति दो शब्द रखने जा रहा हूँ। साथियों, 15 अगस्त का शुभ दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत साल 1858 में शुरू हुई और 1947 तक चली। इससे पहले 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और करीब 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिली। ब्रिटिश राज में देश की जनता पर काफ़ी अत्याचार किए गए। ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों से देश की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 144 करोड़ की मौजूदा जनसंख्या वाले हिंदुस्तान को यूं ही अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिली थी। देश की आज़ादी के लिए लाखों हिंदुस्तानियों ने देश की मिट्टी को अपने खून से सींचा था। देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे कई क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा। इस देश को आज़ाद कराने वाले सच्चे देशभक्तों के संघर्ष, हौसले और जुनून की जितनी तारीफ की जाए वो हमेशा कम ही रहेगी। यह दिन इन सभी क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने और श्रद्धांजलि देने का दिन है। हमें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने हेतु भारत एक ऐसा स्थान होगा जहां जाति, धर्म, रंग, लिंग, सामाजिक या आर्थिक स्थिति और नस्ल का भेदभाव नहीं होगा। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होगा और भारत की महिलाएं सशक्त होंगी। हमें भारत को भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण और निरक्षरता की समस्याओं से मुक्त बनाना होगा। भारत एक ऐसा देश होगा जहां घर से लेकर सड़कों, कार्यस्थल, हर जगह महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। साथ ही यह एक ऐसा स्थान होगा जहां सभी के लिए समानता की स्वतंत्रता होगी, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलेगा एवं उन्हें कार्यस्थल पर भी किसी दुर्व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ेगा। गरीब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। भारत को शांति, समृद्धि और सच्चाई की भूमि बना रहना चाहिए। भारत को सबसे उन्नत देश बनना चाहिए। हमारा भारत शिक्षित, आत्मनिर्भर, स्वच्छ,
सुरक्षित, विकसित व विश्व गुरु हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।